आदाब मुनसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस। सीएम ने कहा आज हम अपने राज्य में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट पूर्व गोष्ठी हुई संपन्न। बेहतरीन सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। जामताड़ा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां। आज सुपार्टी का तरुण गुप्ता ने व्यवस्था का लिया जायजा। अमृतसर जेल में बंद है भागलपुर का युवक। आतंकी होने के शक में 6 साल से कैद में है। कहलगांव का इंदल, मां ने लगाई रिहाई की गुहार। बिहार के आईएएस अधिकारी ने मीटिंग में अफसरों को दी गाली। गया में प्रशासनिक अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं शिबू सोरेन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा गांव देहात के लोगों को धनबाद पहुंचने में परेशानी ना हो, इसलिए समय में बदलाव किया गया है। गुरुजी यानी उम्र के एक पड़ाव में है, बावजूद यहां पर वो मौजूद है। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन वो देते रहे हैं। सीएम ने कहा आज हम अपने राज्य में हैं। 20 साल के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है। झारखंडियों की किस्मत में संघर्ष, बलिदान और कुर्बानी है। तीसरे और चौथे ग्रेड की नौकरी में हमारे बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज हम लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस में सबसे पहले तमाम झारखंड की जनताओं को, प्रेस मीडिया बंधुओं को, तमाम को मैं बधाई देता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इस अधिकार के लिए तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने 32 भी दिया, ओल्ड पेंशन भी दिया है, सावित्री बाई फूले दिया है, लेकिन भाजपा की जो विपक्ष है या केंद्र सरकार है उसको विफल करने में लगी हुई है। सर आज के कार्यक्रम के बारे में धन्यवाद वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी 2023-24 संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन ने हवीन कर बजट अंतर्गत बेहतरीन सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, जरूरतमंद समुदाय सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतर और समावेशी बजट बनाया जा सके, इसी सोच के साथ हवीन कर बजट अंतर्गत राज्य की आम जनता एवं एक्सपर्ट के सुझाव राज्य सरकार ने बजट से पूर्व लेने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नीति निर्धारण पर कार्य कर रही है। राज्य में कई बेहतर पॉलिसी बनाई गई है जिसमें खेल नीति, टूरिज्म नीति सहित कई नीतियां शामिल हैं। हमने इस बार बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है। खैर ये तो एक अपना अपना तरीका है बजट को प्रस्तुत करने का। मुझे लगता है कि और सब राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बहुत अधिक संख्या है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे, उसे महसूस हो। इसीलिए हमने हमीनकर बजट रखा है क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज है। यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग यहाँ का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा के चीजें हैं। जो यहाँ महानुभाव लोगों की जो कई सुझाव आए हैं, कई चीजों पर तो हम लोगों ने कई डिस्कशंस किए हैं कैसे होगा, इन सब चीजों
के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कई बार जिसमें जो आज सुझाव के रूप में आए हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये पहली बार सरकार ने 1 लाख से अधिक तक का ये बजट लास्ट ईयर पेश किया था। इस बार हम लोग किस तरीके से जाएंगे अब तो उसी पर काम और उसी पर चर्चा हो रही है। और यहाँ कुछ चीजों पर तो हमें जरूर हम कह सकते हैं, जैसे कि आज इस राज्य को 2-3 चीजों की आवश्यकता है किसी भी डेवलप स्टेट के लिए, उससे हम लगभग आच्छादित हो चुके हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी हमारे राज्य में लगभग अच्छी स्थिति में, एयर कनेक्टिविटी भी है। जामताड़ा में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव से आयोजक तरुण गुप्ता ने यज्ञ मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया, जहां पर उपस्थित कार्यवाहकों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जामताड़ा जिलेवासियों से आग्रह किया गया है कि 9 फरवरी को मेहंदी हल्दी और गीत संगीत और 10 फरवरी को विवाह यज्ञ मैदान में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग भाग लेकर वर वधु को आशीर्वाद देकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो इसकी कामना करें। वहीं इसकी सफलता को लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, घर घर निमंत्रण भेजा जा रहा है। आपके द्वारा 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, क्या कार्यक्रम? मेरे द्वारा नहीं, पूरे जामताड़ा के लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। 9 फरवरी और 10 फरवरी सामूहिक विवाह 51 कन्याओं का है, और 9 फरवरी को सभी 51 कन्याओं का मेहंदी रस्म, गीत संगीत और हल्दी का कार्यक्रम है, और 10 फरवरी को सामूहिक विवाह सभी कन्याओं का होगा। 9 फरवरी को शाम 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 10 फरवरी को शाम में 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसी की तैयारी लेकर आज यहां पर मंच व्यवस्था के निमित्त हम लोग यहां जमा हुए हैं। और जामताड़ा के सेंट एंथोनी स्कूल में नवोदित छात्रों द्वारा वैज्ञानिक कलाकृति का प्रदर्शनी वहां लगाई गई। नव उद्यव नए विचारों का उदय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक इरफान अंसारी ने दीप जलाकर किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. गोपाल कृष्ण झा एवं विद्यालय के निदेशक डॉ. चंचल भंडारी मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बारी बारी से सभी स्टॉलों का जायजा लिया गया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर लगाए गए स्टॉल में प्रदर्शनी और बच्चों की प्रतिभा को देखकर आगंतुक अतिथि काफी खुश नजर आए। वहीं संबंध में विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा जैसे छोटे शहर के छोटे छोटे बच्चों में प्रदर्शनी को लेकर जो प्रतिभा दिखी बहुत ही बेहतर है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग होगा वह किया जाएगा। देखिए, आज हमारे विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में सेंट एंथोनी स्कूल की ओर से एक दिवसीय एग्जीबिशन, ये कहे कि न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, और सबसे बड़ी बात है कि आज पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे जो बच्चे के अंदर जो कला है वो हम लोग यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, वो लाने का प्रयास किया है। हम यहाँ आके मैं भी शॉक्ड हो गया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे के अंदर इतना हुनर है, और इस हुनर को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे लाएंगे। सामाजिक रीति रिवाज को दरकिनार करते हुए एक शख्स ने अपनी होने वाली पत्नी को उसके घर से भगाकर और अपने घर लाकर शादी कर ली है। यह अनोखी कहानी बिहार के भागलपुर की। यहाँ एक अनोखी शादी हुई है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी के जोड़े में बाइक से भगाकर वाराणसी से भागलपुर वो ले आया और हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। ऐसी नौबत तब आई जब 2 बार शादी की तारीख पर घर में अप्रिय घटना घट गई। लड़की के घर वाले शादी से तब इनकार करने लगे थे। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर निवासी बच्चों ताती के पुत्र नवल किशोर और वाराणसी के सरयू प्रसाद की पुत्री मनीषा कुमारी अनोखे तरीके से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। भागलपुर 2023 के आम बजट में पृथ्वी को बचाने हेतु पीएम प्रणाम योजना की घोषणा हुई है। सुलझे शब्दों में कहें तो देश की मिट्टी की सेहत और आम इंसान की सेहत को ध्यान में रखते हुए पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। मिट्टी संरक्षण भागलपुर से जुड़े अधिकारी रवि सिंह बता रहे हैं कि पिछले 1 दशक से मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है। इसका गंभीर असर इंसानी सेहत पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार की मिट्टी अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी नेचुरल तरीके से उपजाऊ मिट्टी है और ज्यादा सक्षम है। इसे किसी भी मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमको जानकारी हो सके उसमें कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बोरन है, मैग्नीशियम है, लोहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम उसमें
फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं ताकि उत्पादन हमारा अच्छा हो सके। और ये हमारा पीएच स्केल है, पीएच मीटर इसको कहते हैं। कुछ उसमें अभी तक थोड़ा बहुत डिटोरिएट किया है। कारण उसका है कि जैविक खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है या कम हो गया है, यही डिटोरेशन का कारण मात्र यही है। और जैसे जैसे उसमें अगर हम वृद्धि करना चाहेंगे तो जैविक खाद का प्रयोग, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद है, सड़ी गली पत्ती वगैरह ये सब बना करके हम देंगे तो उसे। चुनौती कितनी बड़ी है बिहार सरकार के हैं या वैज्ञानिकों के लिए कहें या देश के लिए कहें? जी हाँ, चुनौती तो बड़ी है। समस्तीपुर में लोकसभा में पेश हुए बजट को लेकर पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय ने पिंक बुक जारी किया है, जिसके डीआरएम आलोक अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समस्तीपुर रेल मंडल को बजट में मिली राशि और योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें समस्तीपुर रेल मंडल की विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। सबसे अधिक राशि रेलवे के दोहरीकरण कार्य को लेकर दी गई है। हुआ है उसमें बिहार को भी मिला है, इसमें समस्तीपुर रेल मंडल की मुख्य क्या है सर? जी, हमारे समस्तीपुर मंडल को भी इस बार काफ़ी मनी एलोकेट किया गया है। इसमें जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें गेज कन्वर्जन है, डबलिंग है या इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो उन प्रोजेक्ट्स न्यू लाइन है, तो उनमें उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अररिया सुपौल है उसमें 235 करोड़, मुजफ्फरपुर दरभंगा जो डबलिंग ये नई लाइन आने का, इसमें 20 करोड़। झंझारपुर लोका जो पार्ट रह गया एग्जिस्टिंग गेज कन्वर्शन का, उसमें 105 करोड़। नरकटिया अमोलवा भिगनाटोरी इसमें 25 करोड़। समस्तीपुर दरभंगा जो डबलिंग हो रही है इसके जो बैलेंस पार्ट के लिए 75 करोड़। सुगौली से वाल्मीकि नगर के लिए 300 करोड़। मुजफ्फरपुर से सुगौली के लिए 400 करोड़। दरभंगा बाईपास जो बन रहा है इसमें 75 करोड़। सकरी हसनपुर नई लाइन के लिए 75 करोड़। ललित ग्राम बाईपास जो बना है उसमें भी एक सैंक्शन हुआ 33 करोड़। नाथनगर के सीओ स्मिता झा के खिलाफ गठित आरोप पत्र, उनके जवाब पर जिला प्रशासन की ओर से मंतव्य रिपोर्ट भूमि सुधार व राजस्व विभाग को भेजी गई है। इसमें मुख्य रूप से सीओ पर 4 आरोप लगे हैं, इसका उन्होंने जवाब दिया था। इसमें कहा गया है कि 27 अप्रैल 2022 को डीडीसी के निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज के केसों का निपटारा पहले आओ पहले पाओ निपटारे की तर्ज पर नहीं किया गया है। जिस बेटे को कंधों पर बिठाकर दुनियादारी सिखाई, वही जीते जी मृत घोषित कर चुपचाप पिता की जमीन बेचकर निकल गया। परमेश्वर झा एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, उम्र है 87 वर्ष, तेतरी के रहने वाले हैं। 8 डिसमिसल जमीन के लिए पुत्र ने जीवित पिता को मृत घोषित कर उनकी जमीन बेच दी। पिता के पास जमीन के नाम पर महज 8 डिसमिसल का एक भूखंड था, वे इसी जमीन पर बने घर में रहते हैं। परमेश्वर की पुत्री प्रीति ने बताया कि उसके भाई ने पिता की जमीन बेचकर उन्हें बेसहारा छोड़कर फरार हो गया। 6 साल से लापता प्रखंड की सदानंदपुर बैसा पंचायत के भदेश्वर पहाड़ी निवासी 30 वर्षीय इंदल राय का पता चलने पर उसकी मां सहित अन्य परिजनों ने राहत की सांस ली है। 3 दिन पहले पंजाब के अमृतसर से मां के नाम पर एक पत्र आया, जिसमें आतंकी के शक में इंदल कुमार को अमृतसर जेल में बताया गया। इंदल की मां सुकुमारी देवी और पत्नी बेबी देवी ने बताया कि पत्र लिखने वाले अमृतसर के अरविंद कुमार चौधरी ने उसकी रिहाई के लिए स्थानीय सांसद, विधायक, एसपी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लाने की बात कही है। आपका बेटा कब कमाने के लिए बाहर गया था? 2017 में। क्या मतलब कौन लेके गया था, क्या कह के लेके गया था? संगुरी ज्यादा। हाँ। क्या कह के लेके गया था? काम करने के लिए चलिए। हाँ। इतना तनख्वाह देंगे। हाँ। वही गया मेरा बेटा, लेकिन अभी तक घूम के नहीं आया। चिट्ठी आया तो क्या मतलब? चिट्ठी आया तो पता लगा कि जिंदा है। जिंदा है, पता करवा रहे हैं। थाना में दिए इनकी सूचना? अभी नहीं दिए हैं। आज देंगे। हाँ, औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के राजकीय विद्यालय बेरी में पदस्थापित वरीय सहायक शिक्षक शंभू शरण सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिसर में विद्यालय परिवार की ओर से विदाई सह सम्मान समारोह व छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया रोड स्थित जयश्री श्याम ज्वेलर्स में बीती रात तकरीबन 1 बजे चोर ने ज्वेलरी दुकान के मुख्य गेट का ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जयश्री श्याम ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, मुझे मेरे दुकान के मकान मालिक का कॉल रात के तकरीबन 2 बजे आया और उन्होंने कहा आपकी दुकान का मेन गेट का ताला खुला हुआ है। तभी मैंने आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और करीब 21 केजी चांदी, कुछ सोने के जेवरात जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपये है, उसे नकाबपोश चोर चंपत कर गए। मैं
तीन लोगों को मैं रात पौने आठ से आठ के बीच में दुकान ऑफ करके घर चला गया, खाना पीना खा के आराम कर रहे थे। लगभग 2:10 के आसपास हमारे दुकान ओनर का फोन आया हमारे पास मोबाइल पे, सुरेंद्र जी आप आइए आपकी दुकान डिस्टर्ब है। मैं आया तो यहाँ देखा कि दुकान के शटर टूटे हुए हैं, खाली शीशा का गेट भी खुला हुआ है, अंदर तिजोरी जो अलमीरा टाइप की है वो भी टूटी हुई है, टोटल लॉक और शोकेस के भी लॉक टूटे हुए हैं, सोने चांदी के। बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने विभाग की बैठक के दौरान बासा के अधिकारियों को गाली दी। पाठक अपने रो में बोलते गए, उनका वीडियो पूरे बिहार में वायरल हो गया है। इस संबंध में आज गया में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं गया के डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि के पाठक के वायरल वीडियो प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए के पाठक के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो निंदनीय है। आज लगभग गया के सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध जताया और 3 मिनट का मौन रखा। जैसा कि आपको पता होगा कि वीडियो वायरल हुई थी जिसमें श्री के पाठक जो डिपार्ट के महानिदेशक हैं और मंद निषेध और निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा उस वीडियो में बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी एवं बिहार वासियों के विरुद्ध बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई और गाली गलौज भी किया गया। उसके आलोक में हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया। निर्णय के आलोक में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कल उनके विरुद्ध एक सचिवालय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई और उसी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में आज गया जिला बासा इकाई हम लोग सभी उपस्थित हैं। उस निर्णय में यह था कि आज भोजनावकाश जो 1:30 बजे से होता है उसमें हम लोग उनकी मानसिक शुद्धिकरण के लिए 3 मिनट मौन रखे हुए हैं और पूरे दिन आज हम लोग ब्लैक बैज लगा कर जो हम लोग लगाए हुए हैं सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी उनका विरोध करें और इस उनके कृत्य का निंदा करें। इससे आगे की कार्रवाई जो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं और वो निर्णय हुआ उसको हम लोग पालन करेंगे। पूर्णिया जिला के डगरुआ थाना क्षेत्र में बुआरी रामटोला वार्ड 15 में कल शाम करीब 4 बजे अचानक आग लगने से 2 परिवारों के 4 घर जलकर राख हो गए। वहीं घर में रखा अनाज, ज्वेलरी, नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का के वाला राशन कार्ड आदि सभी कागजात भी जलकर राख हो गए। इसे किसी भी मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमको जानकारी हो सके उसमें कितना नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, बोरन है, मैग्नीशियम है, लोहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको हो जाता है तो उसी हिसाब से हम उसमें फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं ताकि उत्पादन हमारा अच्छा हो सके। और ये हमारा पीएच स्केल है, पीएच मीटर इसको कहते हैं। कुछ उसमें अभी तक थोड़ा बहुत डिटोरिएट किया है। कारण उसका है कि जैविक खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है या कम हो गया है, यही डिटोरेशन का कारण मात्र यही है। और जैसे जैसे उसमें अगर हम वृद्धि करना चाहेंगे तो जैविक खाद का प्रयोग जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद है, सड़ी गली पत्ती वगैरह ये सब बना करके हम देंगे तो उससे चुनौती कितनी बड़ी है बिहार सरकार के हैं या वैज्ञानिकों के लिए कहें या देश के लिए कहें? जी हाँ, चुनौती तो बड़ी है। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के पीरमोकाम पंचायत के मुखिया एवं प्राथमिक विद्यालय तेलंगी के प्रभारी प्रधानाध्यापक के बीच विद्यालय के जाँच के क्रम में हुई विवाद में मुखिया ने स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित 5 अज्ञात के विरुद्ध थाने में आवेदन देकर कांड दर्ज करवाया है। मुखिया के साथ हुई अभद्रता को लेकर नाराज ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध तेलंगी चौक समीप स्टेट हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। समस्या ये है कि ये तेलंगी चौक का स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय तेलंगी चौक जी, इसको जो है 2015 में भवन नहीं होने के कारण इसको जो है पीर मोकाम में शिफ्ट किया गया था जी, ठीक है जी, और यहाँ का बच्चा नामांकित है वहाँ पे पीर मोकाम में जी, और एक भी बच्चा वहाँ नहीं जा पाता है। यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर है जी, और यहाँ का एक भी बच्चा नहीं जाता है वहाँ। जब हमने विजिट किया वहाँ पे आज तो वहाँ पे एक भी बच्चा तेलंगी चौक का नहीं था जी, और उनका जब मैंने पूछा हेडमास्टर से कि तेलंगी का बच्चा कहाँ है एक भी, तो उन्होंने कहा कि आप जो समिति की बैठक में बोले सवाल उठाए थे उसी लिए हम जो है 3 दिन से हाजिरी नहीं बना है। तो हमने उनको पूछा कि 3 दिन पहले हाजिरी कैसे बना, तो उनका कहना है कि 3 दिन से पहले जो है
तेलंगी चौक का बच्चा पढ़ने आता था। ये ग्रामीण से पूछिए। भागलपुर सुल्तानगंज कमीरहट्टी पंचायत के नवटोलिया गांव में माघी पूर्णिमा के अवसर पर नवटोलिया ग्रामवासियों द्वारा 24 घंटे अखंड राम धुन का आयोजन किया गया। इसको लेकर नवटोलिया गांव के सैकड़ों महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। हमारे मिरहट्टी पंचायत के नवटोलिया ग्राम में वार्षिक माघी पूर्णिमा का भरने का शोभा यात्रा रामधुनी एवं अखाड़ा दंगल का प्रोग्राम वार्षिक होता है। कल माघी पूर्णिमा का दिन रविवार 5 तारीख को दंगल अखाड़ा होगा, इसलिए कलश यात्रा निकाला गया। कल से रामधुनी का भी आयोजन है। कितने घंटे का? 24 घंटे का रामधुनी का आयोजन किया गया। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस। सीएम ने कहा, आज हम अपने राज्य में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट पूर्व गोष्ठी हुई संपन्न। बेहतरीन सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। जामताड़ा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां। आज सुपार्टी का तरुण गुप्ता ने व्यवस्था का लिया जायजा। अमृतसर जेल में बंद है भागलपुर का युवक। आतंकी होने के शक में 6 साल से कैद में है। कहलगांव का इंदल, मां ने लगाई रिहाई की गुहार। बिहार के आईएएस अधिकारी ने मीटिंग में अफसरों को दी गाली। गया में प्रशासनिक अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।